watering smell coming from Pratibha's kitchen. Let's check out what's cooking. नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ प्रतिभा की किचन में. आज हम बनाने जा रहे हैं छोले विद राइस. तो छोले बनाने के लिए मैं ऑयल डाल रही हूँ. मैं इसमें सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल होता है जो एक तीखापन लाता है खाने में. और आप चाहे तो घी में भी चमक सकते हैं. आप देख रहे हैं तेल में धुएं निकल रहे हैं. तो चलिए इसमें थोड़ी सी हींग डालते हैं. इसी के साथ में मैं जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, और ये चार बड़े प्याज हैं. फाइन चॉप कर लिए हैं ये प्याज. इसी तरीके से टमाटर भी हम फाइन चॉप करेंगे. अभी बिल्कुल बारीक काट लेंगे हम प्याज और टमाटर को. बिल्कुल. और असली पंजाबी छोलों का स्वाद तो प्याज और टमाटर के साथ ही आता है. प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे. टमाटर हैं जो मैंने इसमें चॉपर में चॉप कर लिए हैं चार. जितने प्याज थे उतने ही टमाटर हैं. इसी के साथ में मैं इसमें ये लहसुन, 8 से 9 कली लहसुन है ये डाल रही हूँ. और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कद्दूकस किया हुआ है वो डाल रही हूँ मैं इसमें. इसी के साथ में ये 4 हरी मिर्च है जो मैंने बड़ी बड़ी काट ली है. अब इसको तेल छोड़ने तक पकाएंगे हम. मसाला तेल छोड़ चुका है. इसी के साथ में मैं अब मसाले डालना शुरू करूंगी. मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. इसी के साथ में मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और लॉट्स ऑफ धनिया. लॉट्स ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी डब्बी डाल दें. मैंने 2 चम्मच डाले हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो. इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला. अगर गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट करना मुझे. अब हम अपने चिकपिक डालेंगे इसमें, यानी छोले. तो प्रतिभा जी, हमने ये छोले भिगो लिए थे या बॉईल किए हैं? ये बॉईल किए हैं अंजलि. ये रात को भिगोने पड़ेंगे आपको और सुबह इसको बॉईल कर लेना. मैंने इसे 6-7 सीटियों में बॉईल किए हैं. छोले तैयार हैं. हम थोड़ा घुमा लेंगे इसको, 5 से 10 मिनट तक इसी कढ़ाई में चलने देंगे ताकि हमारे छोले मसालों का टेस्ट पकड़ ले. छोले तैयार हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे. और सही मायनों में ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं. चपाती पे घी लगा लेंगे बढ़िया सा. और छोले तो तैयार हैं ही, खाइए और खिलाइए. थैंक यू प्रतिभा जी फॉर दिस डेलिशियस रेसिपी. इट्स माय फेवरेट.